आज मैं बना रही हूँ सूजी का उपमा। सूजी का उपमा बहुत ही हेल्दी होता है, ब्रेकफास्ट के लिए भी बहुत हेल्दी होता है, और अगर आप लाइट डिनर करना चाहते हैं तो आप डिनर में भी इसको खा सकते हैं। इसको मैं सर्व करूँगी कोकोनट की चटनी के साथ, नारियल की चटनी के साथ। नारियल की चटनी की रेसिपी मैं आपको जब उपमा बन जाएगा उसके बाद बताऊँगी। बहुत ईजी, सिंपल और क्विक रेसिपी है। तो अभी हम उपमा बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 बड़े कटोरी सूजी, चना दाल रोस्टेड, बीन्स, और ये काजू हैं थोड़े, इनको मैंने लंबा लंबा ऐसे कट कर लिया है, और मूंगफली को भी मैंने थोड़ा रफली चॉप किया है। प्याज लेंगे, प्याज आप थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा जब भी आप उपमा बनाएं, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने लिए हैं ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज। हरा धनिया लिया है, थोड़ा सा चॉप्ड जिंजर लिया है, अदरक, थोड़े से टमाटर चॉप लिए हैं, थोड़ी सी हरी मिर्चा और कड़ी पत्ता। ये सब हमारी सब्जियां हैं जो हमारे उपमे में जाएंगी। अब मैं आपको बताती हूँ मसालों में हम क्या यूज़ करेंगे। मसाले इसमें हमारे बहुत ही कम पड़ते हैं, जीरा, राई, नमक और हींग, बस यही हम मसाले यूज़ करेंगे, क्योंकि इसका अपना ही टेस्ट इतना अच्छा होता है वेजिटेबल्स के साथ कि हमें इसमें ज़्यादा मसाले डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। अब हम रेसिपी शुरू करेंगे। ये 2 कटोरी सूजी को आपने सबसे पहले क्या करना है, कढ़ाई लेनी है और उसमें इसको ड्राई रोस्ट करना है। सूजी को ड्राई रोस्ट करने से ये इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, आप इसे ज़रूर ड्राई रोस्ट करिएगा। अभी मैं बताती हूँ इस सूजी को कैसे ड्राई रोस्ट करना है हमें। एक कढ़ाई लेंगे, उसे थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और उसमें अपनी सूजी डाल देंगे, और इसको हिला हिला के हमने ड्राई रोस्ट करना है। इसमें कुछ नहीं मिलाना है, ड्राई रोस्ट करना है हमें सूजी को। जैसे हम हलवे के लिए करते हैं ऐसे ही इसको ड्राई रोस्ट करना है, पर हलवे के लिए हम थोड़ा ज़्यादा ब्राउन करते हैं, इसको हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। सूजी को हमें जलने नहीं देना है, इसलिए हमें हिला हिला के हाई फ्लेम पे इसको रोस्ट करना है, भून लेना है अच्छे से। हमारी सूजी ऑलमोस्ट ड्राई रोस्ट हो गई है, बस अब हमने गैस ऑफ करके इसको निकाल लेना है। भूनने से एक तो बहुत अच्छी खुशबू आती है, इसमें फ्लेवर चेंज हो जाता है सूजी का, और ये बहुत टेस्टी बनता है। बस हम अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसको निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई में अब हम क्या करेंगे, मैंने 2 से 3 चम्मच तेल डाला है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी जो हमारी मूंगफली है उसको रोस्ट करेंगे। मैंने मूंगफली को थोड़ा सा तोड़ लिया था, क्रश कर लिया था, उससे सारे आपके उपमे में मूंगफली आएगी। उससे साबुत मूंगफली क्या होती है वो इतना अच्छा टेस्ट नहीं करेगी आपको, तो आप इसे तोड़ लीजिएगा थोड़ा। ये थोड़ी सी रोस्ट हो जाएगी, पहले हम मूंगफली रोस्ट करेंगे क्योंकि काजू बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं, तो हम पहले मूंगफली रोस्ट करने के बाद इसमें काजू रोस्ट करेंगे। हमारी मूंगफली थोड़ी रोस्ट हो चुकी है, अब इस वक्त हम क्या करेंगे, काजू डाल देंगे इसमें। काजू को भी रोस्ट कर लेंगे थोड़ा सा। हमारी काजू और मूंगफली दोनों रोस्ट हो गई हैं, हमें ऐसे ही रोस्ट करनी है इसे, इतना ही, अच्छे से थोड़ा सा ब्राउन कलर आ जाए इनका।
बस अब हम इसको निकाल लेंगे। हमारी मूंगफली और काजू को हमने निकाल लिया है। अब हम इसी तेल में डालेंगे, थोड़ा तेल गरम कर लेंगे और अच्छे से, और इसमें डालेंगे राई, राई डालेंगे। थोड़ा राई क्रैकल हो जाए उसके बाद हम डालेंगे जीरा, राई का क्रैकल होना बहुत ज़रूरी है, उसी से टेस्ट आता है। देखिए शुरू हो गई क्रैकल होनी। बस अब हम डाल देंगे इसमें जीरा और डालेंगे अपने प्याज। प्याज डालने के साथ हम डालेंगे अपनी बीन्स। बीन्स बिल्कुल आपने महीन चॉप करनी है, चॉप बिल्कुल छोटा छोटा चॉप करना है। इसको प्याज के साथ मिला लेंगे। इसी के साथ हम डालेंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता। तो थोड़ा फ्राई होने देंगे। अब जो हमने थोड़ा सा जिंजर काट के रखा था वो हम डाल देंगे इसमें, इसको भी थोड़ा पका लेंगे। ये सब मैं हाई फ्लेम में कर रही हूँ। हमने सब बस अपनी सब्जियों को थोड़ा टॉस करना है, क्योंकि जब हम इसमें पानी डालेंगे तब ये एक बार और बॉईल हो जाएंगी। बस अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने टमाटर डाल देने इसमें, टमाटर और अपने ग्रीन चिलीज। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप ग्रीन चिली मत डालिएगा। अब हम डालेंगे इसमें अपनी रोस्टेड चना दाल, इसको भी मिला लेंगे। अब हम एक एक करके अपने मसाले डालेंगे। मसाले में बस हमारा बचा है अब नमक और हींग। अब हींग डाल देंगे हम इसमें। आप अगर येलो वाला उपमा बनाना चाहते हैं, पीला उपमा, तो आप थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, इसको भी में डालेंगे। अब हमने इसमें, मैं दो कटोरी बड़ी सूजी के लिए मैं डाल रही हूँ इसमें आधा लीटर पानी। जब ये पानी बॉयल हो जाए तभी हम इसमें अपनी सूजी डालेंगे। इसे हाई फ्लेम पे रखिएगा और एक बॉयल आने दीजिएगा। देखिए हमारा पानी बॉयल हो गया है वेजिटेबल्स के साथ। इस वक्त बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सारे फ्लेवर्स की। अब क्या करेंगे, हम सूजी इसमें डाल देंगे अपनी ड्राई रोस्ट सूजी। अब हमने गैस क्या करनी है, मीडियम कर देनी है और इसको ढक के थोड़ी देर पकने देना है सूजी को।
अगर आपको पानी कम लगे तो आप थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं, क्योंकि सूजी पानी सोख करती है। मेरे को थोड़ा पानी कम लग रहा है तो मैं पानी थोड़ा और डालूंगी इसमें। मैंने इसमें थोड़ा और पानी, 2 से 3 ग्लास पानी और डाला है 1/2 लीटर पानी के बाद। अब मैं इसको क्या करूँगी, ढक के लो फ्लेम पे इसको पकने दूँगी थोड़ा सा सूजी को हमारी। और इसी वक्त आप थोड़ा सा सूजी को टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको सॉल्ट कम लगे तो आप इस वक्त ऐड कर सकते हैं। अब इसको मैं ढक दूँगी। अब इसे ढक के 5 मिनट मिनिमम इसको हम पकने देंगे। 5 मिनट के बाद हम अपना उपमा देखेंगे। ये बन गया है, देखिए ये रेडी है खाने के लिए। अब लास्ट में जो हमने रोस्ट किए थे अपने पीनट्स और कैश्यू काजू, इसको हम डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा आपको। अगर हम पहले डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, हमारी पीनट्स जो होती हैं वो भी बॉयल हो जाती हैं और हमारा काजू भी बॉयल हो जाता है, तो वो क्रंच नहीं आता है। अभी आप खाएंगे तो इसमें आपको काजू और अपनी मूंगफली का क्रंच आएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं हम। इससे बहुत ही टेस्टी आपको अपना उपमा लगेगा। इसमें हम डालेंगे जो हमने ये अपना धनिया पत्ता कट करके रखा था, इसको करेंगे ऐड। इसको भी मिक्स कर लेंगे। इस वक्त हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। बस धनिया को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं आपको, अब हम बनाएंगे कोकोनट की चटनी, नारियल की चटनी। नारियल की चटनी के साथ ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है और बहुत टेस्टी लगता है। वैसे तो आप दही के साथ भी खा सकते हैं इसको, और बच्चे केचप के साथ पसंद करेंगे, सॉस के साथ, चटनी के साथ, पर ये कोकोनट की चटनी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। इसलिए मैं आपको कोकोनट की चटनी बनाना बता रही हूँ। मैं ऑलरेडी कोकोनट की चटनी शेयर कर चुकी हूँ, पर फिर भी एक बार और मैं आपको इस रेसिपी के साथ भी शेयर कर रही हूँ। नारियल की चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है आधा नारियल, आधे से थोड़ा सा कम, रोस्टेड चना दाल, 2 हरी मिर्चा, और तड़के के लिए मैंने लिया है राई, जीरा, उड़द दाल, 3 से 4 लाल सूखी मिर्च और कड़ी पत्ता, और थोड़ा सा हम चटनी पीसते समय नमक डालेंगे। इन सब तीनों चीज़ों को और नमक को हम मिक्सी ग्राइंडर में डाल लेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। मैंने इसको कट करके मिक्सी ग्राइंडर में डाल दिया है। अब हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा पानी ऐड करेंगे। जब भी आप नारियल की चटनी बनाएं, एकदम से सारा पानी नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डाल के हमें इसे ग्राइंड करना है। पहले ग्राइंड करना है, फिर देखना है पानी अगर कम हो गया है तो फिर से उसमें पानी डालना है। एकदम से डाल देंगे तो आपका जो नारियल है वो ग्राइंड नहीं होगा अच्छे से, उसका अच्छा पेस्ट नहीं बनेगा। हमारी चटनी रेडी है, बस अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। इसमें मैं 1 से 2 चम्मच दही के भी ऐड करूंगी, ये ऑप्शनल है, आप करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, अदरवाइज आप ऐसे ही तड़का के साथ इसको खा सकते हैं। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने थोड़ा सा तेल डाला है, तेल को थोड़ा गर्म होने दिया है और इसमें राई डाल दी है। अब राई को थोड़ा हम क्रैकल होने देंगे। जैसे ही राई क्रैकल हो जाएगी उसके बाद हम थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालेंगे इसमें। हमारी राई क्रैकल हो रही है, अब हम इसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे। इसी के साथ हम उड़द दाल डाल देंगे अपनी, उसको भी ब्राउन होने देंगे। लास्ट में अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे
और लास्ट में हम डालेंगे जीरा, क्योंकि जीरा जल्दी भुन जाता है। बस अब हमारा, उसके बाद डालेंगे हम अपनी लाल मिर्चा सूखी, उसको भी मिला लेंगे। हमारा उपमा और हमारी नारियल की चटनी दोनों तैयार है खाने के लिए, और ये दोनों बहुत ही टेस्टी बनी है। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आप टिफ़िन में बच्चों को दे सकते हैं, आप खुद भी खा सकते हैं। ब्रेकफास्ट में ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, नारियल की चटनी और उपमा, इससे बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट होता है और ये डाइजेस्ट भी बहुत जल्दी हो जाता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।